नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। सर, 14 जुलाई को हम लोगों ने एक साथ मिलकर देशभक्ति की भावना के साथ में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और बड़ा ही ऐतिहासिक पल था सर। और एक और बड़ा ऐतिहासिक पल आया है कि अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है और इसरो की तरफ से ये आधिकारिक बयान भी आया है किया गया है कि तीसरी जो कक्षा है चंद्रमा की जो सबसे करीब है जी, बिल्कुल, और वहां पे प्रवेश कर चुका है जी सर। बहुत जल्द हम सॉफ्ट लैंडिंग जो है जो हमारा प्राइमरी उद्देश्य था जी, जो हम जो चंद्रयान 2 में हम जो विफल रह गए थे उसको इस बार जो है हम सक्सेसफुल करने वाले हैं। बिल्कुल सर, वन बाय वन पूरी चीजें यहाँ पर। बिल्कुल सर, और आप ज्योग्राफी के हमारे विशेषज्ञ हैं तो आप ही शुरुआत करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि ये मैंने कहीं से नहीं, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी, एक बार बच्चों को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। हालांकि ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ये क्रोनोलॉजी है कि भाई कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कब कब कौन सी फायरिंग स्टार्ट हुई। क्योंकि सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे हमने 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया और ऊपर चला गया, उसके बाद विभिन्न इंजन के जो चरण थे उसकी भी हमने यहाँ पर बातें करी थी। जैसे कि हमने ठोस यानी कि सॉलिड प्रोपेलेंट की हमने बातें करी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सबसे अंतिम जो क्रायोजेनिक होता है और काफी महत्वपूर्ण भी रहता है क्योंकि ऐसे ऊंचाई पर लेकर जाना उसको जिसको हम इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते। मतलब ऐसे नहीं सर कि हमने हर तीसरे चौथे दिन भेज रहे हैं, भाई हमने 2008 में भेजे, हमने 2019 में भेजे, देन हम अभी 4 साल बाद हम इसको 2023 में भेज रहे हैं। जब मैं बता दूं दर्शकों को कि भाई जो सर बात कर रहे हैं जो प्रोपेलेंट की, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि भाई ईंधन लगता है हर चीज को, तो ये ईंधन की बात बता रहे हैं सर कि भाई प्रोपेलेंट जो है उस तरीके से काम कर रहा है और बिल्कुल वो आज ऊपर लेकर गया सर। एग्जैक्टली, और सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना, जैसे मैं और हम अगर बातें करें तो जैसे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो सर कहीं भी इससे खराब हो गया, बिल्कुल, तो गाड़ी को हम बनवा सकते हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर है ना कि यार उतनी ऊंचाई पे खराब होगा ना, मतलब समस्या ये ना, कई बच्चों के मन में सवाल आते हैं सर मान लेते कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या है, फिर से कुछ लॉन्च करेंगे क्या? हाँ, जो जाके वहां पर उसको बनाएगा तो ऐसी संभावना नहीं। मतलब सर अगर खराब हो गया तो फिर वो मिशन हमको हम मानते हैं कि भाई सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है है ना। और ये जो सर आगे की कहानी जो आप यहाँ पर बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 5 अगस्त है वहां पर फाइनली हमारे पास एक न्यूज आता है इसरो की तरफ से ऑफिशियल, और एक इमेज जो है सर वो जारी करी जाती है क्योंकि पूरा सर्कुलेट होता है और न्यूज में भी साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया वेबसाइट्स है वहां पर भी हमने देखे कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के उन सतहों के जो इमेजेस हैं वो लिए थे। तो सर मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूं कि जो हमारे सैटेलाइट्स जो होते हैं उसमें जो ईंधन होता है वो उतनी ऊंचाइयों पर इस प्रकार से कार्य करता है कि उसके 99.9% की एक्यूरेसी पहले तय करी जाती है कि किसी भी स्थिति में वो खराब ना हो और वो लगातार चलता रहे। सर बड़ा सवाल ये भी है कि सर उतने ऊंचाई पर रहने के बाद या उतने दिनों तक वो एनर्जी कहां से प्राप्त करेगा? तो ज्यादातर में सर हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स या फिर ऐसे कुछ चीजें वहां पर लगाई जाती है कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर वो कंटिन्यू क्या करता है, उसको रन करता है ना। तो सर बाकी आगे की जो कहानी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको बताने। तो सर ने जैसे कहा कि सूरज के प्रकाश से हम चंद्र तक जाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात की जो इसरो चीफ है, जैसा सर ने कहा कि जो प्रोपेलेंट है वो जो ईंधन है उसमें यदि कोई खराबी आ गई तो दिक्कत वाली बात है। इसरो चीफ ने साफ साफ ये कहा है कि भाई देखिए पिछले बार जो सर हमारा लैंडर था जो हमको लैंड कराना था, बिल्कुल, जो हमको रोवर लैंड कराना था, तो बेसिकली जो था सर कि ये लैंडर रोवर को लैंड प्रॉपर्ली नहीं कर पाया था। अब यहां पर बात क्या है कि चंद्रयान 3 में ये टेक्निक का सुधार किया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल, कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर, सर नाम में परिवर्तन नहीं है, है ना। जैसे विद्यार्थी भी हमारे होते हैं कि भाई एक अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिलनी है और प्रयास करते रहना है, तो हमारा ये तीसरा प्रयास है और तीसरे प्रयास में अब हम जो है तीसरी कक्षा में पहुंच गए हैं। और बेसिकली बात यह है कि इसरो चेयरमैन ने कहा भी है कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सेंसर वेंसर सब फेल हो जाते हैं फिर भी ये जो हमारा चंद्रयान है 3 है ये लैंड जरूर करेगा, बस प्रोपेलेंट जो सर आपने कहा कि ईंधन ये प्रॉपर्ली काम करे। तो जैसा सर ने आपने बताया कि भाई 5 अगस्त जो था हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था, पूरे इंटरनेट पे फोटोज जो है वायरल हुई इसकी और हम लोगों ने देखा कि भाई किस प्रकार से पहली कक्षा जो है चंद्रमा की वहां तक हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका था सर। उसके बाद सर जो है दूसरी कक्षा में पहुंचा और अब जो है वो तीसरी कक्षा में पहुंच चुका है। मात्र मैं आप लोगों को बता दूं कि 1437 किलोमीटर की दूरी पर है ना, आप मान के चलिए कि 1437 किलोमीटर सर हम निकले गाड़ी में यदि, तो है ना, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे, आधा आप ड्राइव कर लेंगे आधा में। तो यहाँ जो है मुद्दा इस प्रकार से चल रहा है कि तीसरी कक्षा में और चंद्रमा तक पहुंचने वाला है और इसरो की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि हमारा जो चंद्रयान
थ्री है वो चंदा मामा तक पहुंच गया है और उसकी चंदा की जो ग्रेविटी है उसको फील कर पा रहा है, फील कर पा जी, तो हम भी सर इस ग्रेविटी को फील कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो अभी ऑर्बिटिंग हो रही है, जब ऑर्बिटर से निकलेगा सर तो उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटिंग। और डी ऑर्बिटिंग करना जो है ये हम लोग 3 दिन का सर इस बार में स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, 14 अगस्त 15 अगस्त और 16 अगस्त सर, क्योंकि सर 14 अगस्त को एक डी ऑर्बिटिंग हो रही है, 15 अगस्त को हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 16 अगस्त को सर एक और डी ऑर्बिटिंग होगी और उसके बाद सर 23 अगस्त जो अनुमानित किया गया है कि दोपहर 11-12 बजे तक, तो मेरे ख्याल से सर लगभग 10 दिन का हमारा त्यौहार चलने वाला है और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी कोको का परिवार जो है तरुण सर सृजन सर आपके साथ उपस्थित होंगे फिर से और सर हम मिल करके त्यौहार मनाएंगे, तो इंतजार रहेगा 23 अगस्त का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।